ये मेरा रिजल्ट है 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स के 10 डेज का। आखिर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितने महीनों में हमारा रिजल्ट आता है? दोस्तों जनरली 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, साल भर रिजल्ट आने को लग जाते हैं, ये डॉक्टर खुद बोलते हैं। और मेरा खुद का रिजल्ट 8 महीने के बाद बहुत अच्छा आने लगा था। लेकिन आज के जो हमारे साथ पेशेंट है जिनका 3 मंथ्स में, 3 महीने 10 दिन में जो कि रिजल्ट आया है, मैं आज आप लोगों को शो करने वाला हूँ। बिल्कुल सोच नहीं सकते कि 3 महीने में ऐसा रिजल्ट आ सकता है, आखिर कारण क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है और आपको कुछ नॉलेज वाली बात मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आज 3 महीने का रिजल्ट देख के मैं खुद शॉक रह गया हूँ कि भाई 3 महीने में ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है। वही जानेंगे कि ऐसा रिजल्ट उनको आखिर कैसे मिला। और बॉलनेस से चालू करेंगे, बॉलनेस कैसा था आखिर देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे जो पेशेंट थे वो पूरी तरीके से गंजेपन के शिकार थे और उनको 7 ग्रेड बॉलनेस था। सो दोस्तों ये रहा इनका बॉलनेस, आप अलग अलग एंगल से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्लिनिक जाने से पहले लोग बहुत सारा चीज़ें सोचते हैं कि क्लिनिक जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा, हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे तरीके से होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे मन में कन्फ्यूज़न चलते रहते हैं, हम लोगों के वीडियोज़ देखते हैं और बहुत लोगों के वीडियोज़ देखते हैं जिससे कन्फ्यूजन्स और पैदा होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यही क्लिनिक है जहाँ से मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और मैं आपको सिर्फ यही रेफरेंस देता हूँ कि आप यहाँ जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो इसने जहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाए आपको वही सजेस्ट, लोग अलग अलग क्लिनिक्स के रिजल्ट दिखाते हैं। दोस्तों आप ऐसी जगह चुनिए जिससे आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आप क्लिनिक विजिट करते रहें, कंटिन्यू उनसे बने रहें, तो एक आपको रिजल्ट के साथ साथ एक मन में संतुष्टि होती है कि हमको अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट तो मिला ही मिला, साथ ही साथ हमको एक अच्छी क्लिनिक भी मिला। सो दोस्तों इनका बॉलनेस पूरी तरीके से आपको नज़र आ रहा है। बात करते हैं दोस्तों सर्जरी की। दोस्तों अगर आपकी सर्जरी अच्छी होती है तो इन्हीं की तरह आपका भी रिजल्ट 3 महीने में अच्छी तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ जो सर्जरी होती है दोस्तों FUE टेक्निक से ग्राफ्ट निकालते हैं और निडल टेक्निक का प्रयोग करते हैं ग्राफ्ट लगाते समय, जो कि मैं आपको ऑलवेज बोला हूँ कि इंडिया में बहुत कम क्लिनिक है जो निडल टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिनसे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्यों, रीज़न क्या होता है दोस्तों? निडल टेक्निक में टाइम ज़्यादा लगता है हेयर ट्रांसप्लांट में, डॉक्टर खुद बैठ के हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं कि ग्राफ्ट लगाते हैं जिससे एक अच्छी डेंसिटी आपको मिलती है निडल टेक्निक से और आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, ना कोई दिक्कतें आती है, ना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दिक्कतें आती है, ना हेयर ट्रांसप्लांट के पहले दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें निडल टेक्निक से मिलती हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इन निडल टेक्निक। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे इनकी 3 महीने 10 दिन के रिजल्ट, उससे पहले इन्होंने क्या बोला है वो छोटी सी चीजें हम सुन लेते हैं, स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर सुनिए इस तरीके से। तो मेरा नाम प्रदीप मेंडकर है और मैंने सर्जरी किया था मतलब 1st अप्रैल और अभी ये मेरा रिजल्ट है 3 मंथ्स के 10 डेज का और अभी और आना बाकी है, तो अभी तो ये शुरुआत है। PRP अभी तक कुछ नहीं लिया, जो सर ने बताया था कि 3 मंथ्स के बाद एक बार मुझे विजिट के लिए आना, तो अभी मैं आ गया हूँ, अभी आगे जो सर बताएंगे वो फॉलो करेंगे। रिजल्ट्स तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसके पहले अब जितने भी मेरे गांव के दोस्त हैं और पुणे के भी दोस्त हैं तो सब बोल रहे हैं कि तू पहले जैसा नहीं दिख रहा, अभी तू अच्छा दिख रहा है, तो मुझे अभी वो सेटिस्फाइड लग रहा है सच में। अभी और फिर 3 मंथ्स के बाद मैं फिर से सर के पास आऊंगा दिखाने के लिए। जैसे मतलब मैं पुराने हॉस्पिटल में भी गया था तो वो बोले थे कि ट्रांसप्लांटेशन और उसके बाद 9 मंथ्स का PRP ले लो, ये ले लो, बट मैंने वो नहीं लेके इधर आया तो वो बोले कि PRP की जरूरत नहीं है, तो सच में जरूरत नहीं है। अभी मैंने 3 मंथ्स में ही रिजल्ट देख लिया है अभी, तो मतलब PRP की जरूरत नहीं होती है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, कंपल्सरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा ऐसा। सो वेल दोस्तों ये रहा इनकी मुँह जबानी और मैं ऑलवेज आपको बोलूंगा कि दोस्तों अगर आप कोई भी क्लिनिक चूज करते हैं
बिकॉज आजकल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की क्लिनिक जगह जगह खोल रहे हैं, लेकिन आप ऐसे क्लिनिक चूज़ कीजिए जहाँ आपको एक पेशेंट रिव्यू मिलता है, जहाँ पेशेंट खुद बताते हैं कि भाई आखिर हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, जहाँ आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, जहाँ के रिजल्ट आप कंटिन्यू देखते रहते हैं, जहाँ जेन्युइन बंदा हो जो खुद उस क्लिनिक से करवाया हो जहाँ आपको रेफरेंस दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपका हेयर ट्रांसप्लांट वन टाइम हो और बहुत अच्छा हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं 3 महीने 10 दिन के रिजल्ट की तरफ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोस्तों 3 महीने 10 दिन का रिजल्ट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमारे आज सामने 3 महीने 10 दिन का रिजल्ट है। कुछ इस तरीके से ये दिखते थे, बाद में ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो 3 महीने में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों इसी क्लिनिक से आप हेयर ट्रांसप्लांट लीजिए जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज दोस्तों 3 महीने में ऐसा रिजल्ट मुझे तो देखने को आज तक नहीं मिला था, लेकिन आज देख रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों इनको इतना अच्छा रिजल्ट मिलने का कि सर्जरी काफ़ी अच्छी तरीके से इनकी सर्जरी और कोई दिक्कत नहीं, आज तक कोई PRP नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं किया, जैसे इनकी मुझेबानी आप लोगों ने सुना था। तो आप अलग अलग एंगल से देख लीजिए कि ये पहले कैसे दिखते थे और अब ये कैसे दिखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंस देखिए। दोस्तों मुझे तो पर्सनली इनका रिजल्ट बहुत ही पसंद आया है, और अभी स्टार्टिंग है, ये 3 महीने का रिजल्ट है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, महीने बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनके रिजल्ट और अच्छे होते जाएंगे। बस दोस्तों इनका रिजल्ट इनको इतनी जल्दी मिल गया है, तो आने वाले समय में रिजल्ट और अच्छा होते जाएगा दोस्तों। लेकिन आप घबराइएगा नहीं कि कई लोगों के रिजल्ट 3 महीने में नजर नहीं आते, 4 महीने में नजर नहीं आते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका रिजल्ट उनको नहीं मिलेगा। दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि 3 महीने में ऐसा रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ सकता, फेक है, ये है वो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, ये फेक वीडियो नहीं है। और काफ़ी लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद उनको 4 महीने 5 महीने में रिजल्ट दिखना स्टार्टिंग हुआ। तो दोस्तों सबकी बॉडी अलग अलग होती है और सबको अलग अलग टाइम पे रिजल्ट मिलता है, तो उसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को 3 महीने में, किसी को 4 महीने में, किसी को 5 महीने में, तो वो पूरा रिजल्ट नहीं होता, एक्चुअल रिजल्ट आने में साल भर लग ही जाता है। तो सबका अपना अपना रिजल्ट होता है, जैसे इन भाई का रिजल्ट आप देख रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो आपको भी ऐसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं, कोई भी क्लिनिक चूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, हड़बड़ाइए बिल्कुल नहीं, एक अच्छी जगह से हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए जिससे आपको भी ऐसा रिजल्ट मिल सके। दोस्तों अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो ये दिया हुआ क्लिनिक नंबर है जिससे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब पक्का मिलेगा ही मिलेगा। सो दोस्तों ये 3 महीने का रिजल्ट आपको थोड़ा भी अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि ये वीडियोस और दूसरे तक पहुंचेगा और आप भी दूसरे लोगों की मदद कर सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नई जर्नी के साथ, एक नए पेशेंट के साथ और एक नई जानकारी के साथ। आज का वीडियो इतना ही, तब तक ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, घर पे रहिएगा। नमस्कार।